नमस्कार, मुद्दा तो है मैं आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ब्रजेश चौकसी। आज मुद्दा है नकुल का ऐलान, फिर मचा घमासान। अभी कांग्रेस की दूसरी सूची नहीं आई है, लेकिन कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ ने छिंदवाड़ा की सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान कर दिया है, जिसको लेकर प्रदेश में सियासी संग्राम छिड़ गया है। बीजेपी सवाल दाग रही है कि कितनी कांग्रेस है और किसकी कांग्रेस है, जिस पर कांग्रेस ने भी पलटवार करते हुए सलाह दे दी है कि पहले अपनी गिरेवान में झांकें। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या सही में नकुलनाथ ही छिंदवाड़ा की सीटों पर टिकट फाइनल कर रहे हैं, क्योंकि कमलनाथ भी ये कह चुके हैं कि वहाँ की सीटों पर टिकट नकुलनाथ ही देंगे, या फिर बीजेपी कांग्रेस के साथ माइंड गेम खेल रही है। सवाल तो ये भी है कि टिकट बंटवारे को लेकर शुरू हुई ये बयानबाजी का कितना असर होगा, आज इन्हीं सवालों पर चर्चा करेंगे। लेकिन पहले देखिए ये रिपोर्ट। छिंदवाड़ा की घोषणा नकुल करेंगे, वो छिंदवाड़ा में ही है, वो करेंगे वहां से। मैं नहीं, छिंदवाड़ा की टिकटों की घोषणा सबसे पहले छिंदवाड़ा में होगी, तब दिल्ली से। छिंदवाड़ा के 6 सीटों की घोषणा मैं करूंगा। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की ओर से मेरे छोटे भाई निलेश दोबारा से कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे। इस वीडियो के जरिए बीजेपी अब कांग्रेस पर हमलावर है। टिकट बंटवारे के बाद कांग्रेस के भीतर पहले से ही घमासान मचा हुआ है, लेकिन छिंदवाड़ा में प्रत्याशियों का ऐलान करने पर अब सांसद नकुलनाथ के साथ ही बीजेपी कमलनाथ और कांग्रेस को आड़े हाथ ले रही है। बीजेपी पूछ रही है कि कांग्रेस किसकी है और कितनी है। उसने चुटकी भी ली और सवाल किया कि क्या आलाकमान की कमलनाथ के आगे नहीं चल पा रही। अगर कमलनाथ और नकुलनाथ ही कांग्रेस के नाथ हैं, तो दिग्विजय और उनके बेटे का क्या होगा। नकुलनाथ ने जो घोषणा की और कमलनाथ जी ने कहा कि छिंदवाड़ा की टिकट नकुल घोषित करेंगे, अब आज ये प्रश्न खड़ा होता है कि कांग्रेस कितनी है और कांग्रेस किसकी है। अब यह एक बड़ा प्रश्न सामने खड़ा है, क्या सोनिया गांधी और राहुल गांधी की कांग्रेस और कमलनाथ नकुलनाथ की कांग्रेस अलग अलग है? क्या नकुलनाथ का पद और कद कांग्रेस में प्रियंका गांधी और राहुल गांधी से भी बड़ा हो गया है? बीजेपी कांग्रेस पर चौतरफा हमला करने में जुटी है। कुल मिलाकर कांग्रेस नेताओं के हर एक बयान को पार्टी मुद्दा बनाकर उसके खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती है। वहीं बीजेपी के वार पर कांग्रेस ने भी पलटवार करने में देरी नहीं दिखाई। बीजेपी पर तीखा प्रहार करते हुए कांग्रेस ने कहा कि दूसरे पर लांछन न लगाए, अपने गिरेबान में हाथ डालकर देखे। अपने गिरेबान में झांक के देखे, दूसरे के गिरेबान तक हाथ न बढ़ाए। छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश का हिस्सा है, मध्य प्रदेश देश का हिस्सा है। कांग्रेस पार्टी का एक चयन प्रक्रिया है, सीईसी होने के बाद टिकट घोषित होती है। लेकिन हाँ, अगर कोई नेता अपने प्रदेश अपने क्षेत्र में किसी को आश्वासन देता है टिकट के लिए, तो वो तो इसके लिए स्वतंत्र है, इसमें क्या दिक्कत है। इसमें कोई दो राय नहीं कि प्रत्याशियों को लेकर कांग्रेस के अंदर जो संग्राम छिड़ा हुआ है, वैसा ही कुछ बाहर भी देखने को मिल रहा है। बीजेपी ऐसे या वैसे कमलनाथ को टारगेट पर लिए हुए है। वो हर एक बयान को कमलनाथ की तरफ मोड़कर उन्हें घेर रही है। कहीं ना कहीं कांग्रेस नेता भी मानो कमलनाथ की मुश्किलें बढ़ाते दिख रहे हैं, और बीजेपी ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर कांग्रेस को वोट दिया तो प्रदेश में बाप बेटे की सरकार बनकर रह जाएगी और इसका नुकसान जनता को झेलना होगा। हालांकि अब बीजेपी के इस माइंड गेम का जवाब कांग्रेस कैसे देगी, ये अहम सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए अभिनव बरोलिया, कांग्रेस प्रवक्ता हैं, ब्रजगोपाल लोया बीजेपी प्रवक्ता हैं, और प्रदीप तिवारी वरिष्ठ पत्रकार। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। अभिनव जी, शुरुआत आपसे ही करेंगे। आपने राष्ट्रीय प्रवक्ता रागिनी नायक को सुना, वो कह रही हैं सीईसी तय करता है कि कांग्रेस में किसको टिकट देगा, लेकिन कोई नेता आश्वासन दे सकता है? यहाँ आश्वासन का सवाल नहीं है, यहाँ तो खुद कमलनाथ कह रहे हैं कि नकुलनाथ तय करेंगे छिंदवाड़ा की सीटों पर कौन प्रत्याशी होगा, और नकुलनाथ ने ऐलान भी कर दिया। इसलिए सवाल तो बीजेपी का वाजिब है, कितनी कांग्रेस है और किसकी कांग्रेस है। देखिए,
देखिए, जब से कांग्रेस पार्टी की 144 सीटें डिक्लेयर हुई है उसके बाद से ब्रजेश जी लगातार भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है थोड़ा सा, क्योंकि उसे मालूम है कि इसी 144 सीटों में कांग्रेस को बहुमत मिल रहा है। तो अब जो एक प्रदेश की जनता और कांग्रेस का कार्यकर्ता, उसी की कांग्रेस है और किसी की नहीं है। मतलब ये समझिए, राहुल गांधी जी जिस तरीके से भारत जोड़ो में चले थे तब भी सबको समझ में आ गया था कि कांग्रेस कैसे है क्या है। इस समय जो कार्यकर्ता चाहता है उसी की पसंद नकुल नाथ जी ने आश्वासन दिया, वही बात रागिनी नायक जी ने बोली। अब इसको इश्यू बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी क्या मुद्दों पे बात नहीं कर रही है, जो जनता के मुद्दे या जनता जो परेशानी सफर कर रही है उससे भागने के लिए इस तरीके की बयानबाजी अगर हमारी पार्टी में हो रहा है तो भैया आप अपनी पार्टी में देखिए ना क्या हो रहा है। हमारी पार्टी को आप छोड़ दीजिए, हम जनता के साथ कनेक्ट है, हम जनता के साथ जुड़कर चुनाव लड़ रहे हैं। तो हमारे यहाँ पर अगर कमलनाथ जी कोई बयान दे रहे हैं या नकुल नाथ जी बयान दे रहे हैं या दिग्विजय सिंह जी कुछ भी बोल रहे हैं या राहुल जी बोल रहे हैं, ये हमारे अंदर का मामला है, हम देख लेंगे, क्योंकि हम जनता के साथ चल रहे हैं। जनता जो चाहती है वो हम कर रहे हैं और बोल रहे हैं और आश्वासन दे रहे हैं। तो इससे कोई भी जो बातें होती हैं उससे भारतीय जनता पार्टी को सोचना नहीं चाहिए, अब उसको सोचना चाहिए कि बचे हुए दिन में जनता के साथ वो क्या कनेक्टिव, 20 साल में तो कोई कनेक्टिविटी बनाई नहीं है। अगर अब वो जनता से हटकर हम पर आरोप प्रत्यारोप लगाएगी हमारी पार्टी में क्या हो रहा है, तो ये तो एक ये हो गया कि आप दूसरे के घर में झांक रहे हैं वहां क्या हो रहा है, खुद के घर में देख नहीं रहे कि खुद के घर में क्या हो रहा है। तो हमारी चिंता छोड़ दें, भारतीय जनता पार्टी अपनी चिंता करे, ठीक है, बीजेपी चिंता ना करे, लेकिन जनता को भी तो पता होना चाहिए कि पार्टी में निष्पक्षता है या नहीं है या परिवारवाद चल रहा है। खुश है ब्रजेश जी, जनता बहुत खुश है, कहीं परिवारवाद नहीं, परिवारवाद सबको दिख रहा है कि संध्या जी उनकी पार्टी में कोई किसी को राक्षस कह रहा है, कोई किसी को क्या क्या कह रहा है, मूर्ख कह रहा है, तो ये सब चीजें उनकी पार्टी में हो रही है। हमारी पार्टी में ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है, सब अच्छे से चल रहा है, टिकट भी बहुत शानदार हुए, जनता खुश है। आप चारों तरफ देख लेंगे, दो चार जगह को छोड़ के जहां पे जाहिर सी बातें नाराजगी होती है, तो इससे जनता को कोई फर्क नहीं पड़ा। जनता तैयारी करके बैठी है कि 3 दिसंबर को यहाँ पर जो कांग्रेस पार्टी की जो सरकार बनेगी जबरदस्त, वो सबको देखने को मिलेगी। तो जनता किसी भी चीज से घबराई नहीं है, जनता चाहती है बस यहाँ से रवानगी हो भारतीय जनता पार्टी, ठीक है, बीजेपी की रवानगी चाहती है जनता, ऐसा कांग्रेस का मानना है लोया जी, लेकिन आप अपना घर क्यों नहीं देखते, उनके घर में क्यों ताका झांकी कर रहे हैं? ब्रजेश जी, हम तो केवल अपना ही घर देख रहे हैं, और जो 144 की सीट घोषित हुई है बहुत अच्छे टिकट बटे हैं, जैसा अभिनव बरोलिया जी ने बताया, उसके लिए अभिनव जी को बहुत बहुत बधाई, बहुत शुभकामनाएं आपको। महत्वपूर्ण ये नहीं है, महत्वपूर्ण वो है कि जिसकी हम हमेशा चर्चा करते हैं, कोई आज चर्चा नहीं कर रहा है, कोई पहली बार चर्चा नहीं कर रहा है ब्रजेश जी, कि कांग्रेस पार्टी में कार्यकर्ता के लिए कोई स्थान नहीं है, वो चुनिंदा उन लोगों की पार्टी है जिन जो किसी खास पेट से पैदा हुए। कमलनाथ जी का बेटा है तो टिकट घोषित करेगा, ये तो कांग्रेस की बात है, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं, क्या ये वंशवाद नहीं है? और एक बात और बता दे, कांग्रेस का कोई भी प्रवक्ता बताए, मैं सबको चुनौती पूर्वक कहता हूं कि कभी भी कांग्रेस के इतिहास में 75 वर्षों में ऐसा तब हुआ है जब आपने किसी सांसद ने अपने लोकसभा क्षेत्र के घोषित कर दिए हो, परंतु आज मध्य प्रदेश में केवल कमलनाथ जी, और इसके बीच में आप देखिएगा कि क्या समस्या आ रही है, कि कमलनाथ जी कह रहे हैं जाओ दिग्विजय सिंह और जयवर्धन सिंह के कपड़े फाड़ो, दिग्विजय सिंह कह रहे हैं कि मेरे नहीं कमलनाथ जी के कपड़े फाड़ो, इनके दस्तक होते हैं। बड़ा दुर्भाग्य ये है कि जब चुनाव सर पर है, सामने चुनाव है, जहां मध्य प्रदेश की जनता अपने 5 वर्षों के लिए नेता चुनेगी, जहां मध्य प्रदेश की जनता इस आधार पर वोट देगी कि कौन उनका कल्याण बेहतर कर सकता है, कौन मध्य प्रदेश को विकास के रास्ते पर आगे ले जा सकता है, वहां आज राजनीति इस पर हो रही है कि टिकट घोषित कौन करेगा, कपड़े किसके फाड़ने हैं। बड़ा दुर्भाग्य है कि आप मुद्दों से भटककर लगे किसमें हैं। और तो अभिनव जी, ये गुटबाजी बता रहे हैं क्या? यदि और भी सांसद होते तो 75 साल में जो नहीं हुआ वो होता, अन्य सांसदों को भी वो अधिकार देते क्या आप? और राज्यसभा के भी 2 सांसद हैं आपके, क्या उनको भी अधिकार दे देंगे कि अपने क्षेत्र के उम्मीदवार घोषित कर दें? ब्रजेश जी, आपकी निजी जिंदगी जीने का आपका पूरा अधिकार है, परंतु आप सार्वजनिक मामलों की बात कर रहे हैं कि टिकट कौन घोषित करेगा, मंच पर कह रहे हैं, जनता के बीच में कह रहे हैं कमलनाथ जी कि आप जाकर उनके कपड़े फाड़ो, और दिग्विजय सिंह भी पूरी कांग्रेस और पूरी मीडिया के सामने जवाब ले लेते हैं, दोनों सवालों का जवाब ले लेते हैं, फिर प्रदीप जी के पास जाऊंगा। अभिनव जी के जाते हैं कि मीडिया सामने सीधा जवाब दीजिए, घुमा फिरा के मत दीजिए, ठीक है जी। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखिए
पीसी जिस तरीके से आपने देखा था ठीक 9:09 पे हमारे टिकट आए थे 144 नवरात्र के पहले दिन, उसी तरीके से आप देखेंगे हमारे टिकट लिस्ट के साथ आएंगे, सीईसी जब जारी करेगा वेणुगोपाल जी का लेटर आएगा। लेकिन जनता के बीच में ये इतना घबरा क्यों रहा है, मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। अगर नकुलनाथ जी ने मंच पर खड़े होकर अगर बोल दिया है कि हाँ ये इनको चुनाव लड़ना है, सांसद है और उनके उनका संसदीय क्षेत्र है और उनकी अपनी पसंद उन्होंने बताई, तो अब इसमें और कमलनाथ जी ने बोल दिया कि हाँ नकुलनाथ जी करेंगे, तो इतना घबरा डॉक्टर क्यों भाई? वो एक मैसेज चला गया ना कि कमलनाथ जी और नकुलनाथ की चल रही है, अभिनव जी एक मैसेज चला गया ना कार्यकर्ताओं में कि दोनों ही तय कर रहे हैं। चलने का छोड़ दी, कार्यकर्ताओं की पसंद है, चलने का छोड़ दीजिए आप, टिकट तो लेटर पर डिक्लेयर नहीं करे ना, ये तो नहीं बोला ना नकुलनाथ जी ने ये लेटर है, लेटर तो दिल्ली से आएगा ना, लेकिन किसी को अगर आश्वासन दिल्ली से बड़े हो गए ना, वही तो आरोप लगा रहे हैं वो, क्या दिल्ली से बड़े हो गए इन्हीं को टिकट मिलेंगे? ब्रजेश जी वही तो कहना चाह रहा हूँ, आश्वासन एक उत्साह बढ़ाना, अगर किसी का उत्साह बढ़ रहा है तो क्या गलत बात है? सर शब्दों में अंतर होता है ना, एक आश्वासन देना अलग होता है। नहीं पहले मीडिया में कांग्रेस पार्टी का प्रवक्ता घोषित करेगा तो आपको कितना मान मिलता? देखिए ये मान केवल आपसे छीनकर अपने बेटे को देने की बात है और हम आपका साथ दे रहे हैं। चलिए दोनों के पास लौट रहा हूँ, लौट रहा हूँ लोहिया जी, अभिनव जी दोनों के पास लौट रहा हूँ। तिवारी जी सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी ब्रजेश जी, कांग्रेस में जिस तरह से चल रहा है, या कमलनाथ कह रहे हैं कि नकुलनाथ टिकट तय करेंगे, या फिर कपड़े फाड़ने की बात हो रही है, जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, क्या इससे चुनाव पर असर पड़ेगा? देखिए बिल्कुल सही बात है कि कारण ये है कि हम जब स्क्रीनिंग कमेटी की बात करते हैं, जब हम ये कहते हैं कि हम सर्वे के आधार पर टिकट वितरण करेंगे, तो किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये तय करना कि हम दिग्विजय सिंह जी इस क्षेत्र की टिकट तय करेंगे, अजय सिंह राहुल विंध्य क्षेत्र की टिकट करेंगे, तो मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा गंभीरता से लेना चाहिए। और जितने भी सीनियर लीडर हैं, कमलनाथ जी काफी सीनियर लीडर हैं और मीडिया के बीच में सार्वजनिक रूप से इन बातों को कम से कम हक के बात करना चाहिए। गोपनीय बातें हैं, किसको टिकट तय करना है किसको नहीं टिकट। कारण यह है कि एक कमेटी बनी हुई है जब, और उस कमेटी स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि कौन व्यक्ति जीतने योग्य होगा, कौन संगठन में अच्छा कार्य कर रहा है, कि क्या वैल्यूएशन है, उसके आधार क्या होंगे टिकट देने के। तो जब हम इस सब क्राइटेरिया को तय कर ले रहे हैं, उसके बाद किसी एक व्यक्ति के ऊपर ये कह देना कि ये व्यक्ति के आधार पे हमने टिकट दिया है, तो मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सब चीजों से थोड़ा सा परहेज करना चाहिए। जी हो सकता है उन्होंने कोई मैसेज देने के लिए कहा हो, इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं। निश्चित तौर पर एक मैसेज हो सकता है अन्य लोगों के लिए, लेकिन मुझे लगता है कि ये मैसेज का कारण नहीं है। कहीं ना कहीं ये क्षेत्र में जो बटे हुए लोग हैं कांग्रेस में, जिस तरह से विंध्य क्षेत्र में कई सारे मुद्दों को लेकर चर्चा होती है, दिग्विजय सिंह जी के क्षेत्र में बात होती है, ग्वालियर रेंज, तो अलग अलग क्षेत्रों से जो कमेटियां, जो लोग डिमांड करते हैं कि हम टिकट इस क्षेत्र में इस व्यक्ति को टिकट दिया जाए अपने संपर्क के लोगों को, तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कमलनाथ जी ने ये बताया हो कि भाई इन इन लोगों से, जिन लोगों के माध्यम से आप टिकट मांग रहे हो, उनके पास आप जाओ और उन्हीं से बात करो। जी हो सकता है ये मैसेज हो अभिनव जी, लेकिन कांग्रेस जब बार बार साल भर से दावे कर रही है कि 5-5 सर्वे हो रहे हैं हमारे, 11 तरह से हमने फीडबैक लिए हैं, तो फिर इसके बाद नकुलनाथ तय करेंगे, ये तो कार्यकर्ता के साथ एक तरह से ठगी है ना। आपने उसको मैसेज दे दिया कि तय तो नकुलनाथ कर रहे हैं, सर्वे मर्वे सब साइड में। देखिए ये छिंदवाड़ा का जो एक नकुलनाथ जी ने मंच से खड़े होके बोला है, ये कोई लेटर जारी नहीं किया उन्होंने, आश्वासन दिया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कार्यकर्ताओं के बीच में दिया है, ऐसा तो नहीं है अकेले खड़े हो गए और बोल दिया अगर टिकट वालों को कि आप खड़े हो जाओ, पूरी भीड़ वहां पे हजारों लोग बैठे हुए, अगर वो बैठे हुए सामने और बोला कि ये है और उसके साथ जनता नारे लगा रही है, तो आप समझिए ये बात सर्वे में भी और सारी चीज जब क्लियर हो चुकी है कि हम सर्वे के हिसाब से सारी चीज कर रहे हैं, तो हमारी टिकट भी तो 144 जो आई है सर्वे के हिसाब से आई है। फिर उन्हीं कार्यकर्ताओं के बीच में क्यों कहते हैं कि दिग्विजय सिंह के कपड़े फाड़िए, जयवर्धन के कपड़े फाड़िए, उन्होंने टिकट दिलवा दिया, फिर सर्वे कहां से आया? देखिए अब दिग्विजय सिंह जी और कमलनाथ जी की बात तो 50 साल से ये लोग एक दूसरे के कैसे घनिष्ठ मित्र होंगे,
पारिवारिक संबंध होंगे, ये उन लोगों ने जग जाहिर कर दिया, कल भी आपने देखा और पूरी प्रदेश की जनता ने देखा। तो इस मैटर पे तो अब कुछ बचा ही नहीं है कि दो 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 जो सीनियर लीडर है जिनने प्रदेश के लिए और देश के लिए अपना जीवन दिया हो, वो कमलनाथ जी हो चाहे दिग्विजय सिंह जी हो। मतलब आप मोहर लगा रहे हैं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी जो चाहेंगे वही होगा मध्य प्रदेश में, ना दिल्ली की चलेगी ना सर्वे की चलेगी। अध्यक्ष दिग्विजय सिंह जी पूर्व मुख्यमंत्री है, उन दोनों की जुगलबंदी की बात कर रहे हो आपने पूछा मुझसे, तो बाकी लोग की तो बात आपने करी नहीं। जन आक्रोश यात्रा में आपने देखा होगा जीतू पटवारी जी, अरुण यादव जी, गोविंद सिंह जी, अजय सिंह जी, कमलेश्वर पटेल जी पूरी ताकत से जनता के साथ सड़कों पे रहे, तो सब अपनी अपनी भूमिका बराबर निभा रहे हैं और सबकी जुगलबंदी और सबके समन्वय से ये चुनाव लड़ा जा रहा है और कांग्रेस पार्टी जनता के साथ मिलकर ये चुनाव लड़ रही है। तो जुगलबंदी दिखनी भी चाहिए ना अभिनव जी, क्लियर दिख तो रही है आपको, कल भी दिखी होगी, कल भी दिखी थी ना किस तरह से दिग्विजय सिंह जी ने कहा कि गलती किसी को उनको स्वीकार करना चाहिए, कपड़े फड़वाने के लिए तैयार हूँ, विष पीने के लिए तैयार हूँ। हमारा कार्यकर्ता ये सब सुन रहा है और समझ रहा है, जनता समझ रही है, आप लोग को समझना पड़ेगा, भाजपा को समझना पड़ेगा, भाजपा को समझना पड़ेगा। लोया जी उनके कार्यकर्ता भी समझ रहे हैं, जनता भी समझ रही है, लेकिन आप नहीं समझ रहे हो, आप दूसरी धारा में जा रहे हो। देखिए ब्रजेश जी, ये तो आप आज आपकी चोरी पकड़ी जा चुकी है, इसलिए ये सब बातें ढूंढेंगे। चोरी ये हुई कि एक वर्ष से ढिंढोरा पीटा जा रहा था कि सर्वे के आधार पर टिकट मिलेंगे, तो क्या केपी सिंह का नाम शिवपुरी के सर्वे में था, क्या वो विक्रम मस्तान का नाम क्या गुजरी के सर्वे में था, वहां के कार्यकर्ता तो ढूंढ रहे कि ये कौन भैया आ गए, जो बंबई रहते हैं उनका सर्वे बुधनी में हो रहा है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति में आप जो कर रहे हैं वही कहें, जो आप कर सकते हैं वही दावा करें। कांग्रेस के दावे कुछ होते हैं, वादे कुछ होते हैं और काम अलग होते हैं, और ये जो आपको ये जो बहरूपियापन है कांग्रेस का, यही कांग्रेस के लिए राजनीतिक रूप से फंसा देने का काम करता है। मैं बड़े विनम्रता से कहना चाहता हूँ अभिनव जी, आप क्या कल्पना कर सकते हैं कि और कोई भी कार्यकर्ता नकुल नाथ के अलावा क्या उम्मीदवारों की घोषणा कर सकता है? और ये देखिएगा, हमें उससे कोई ऐतराज नहीं है, आप तो चूंकि एक परिवार से दिल्ली से चल रहे हैं, एक परिवार से भोपाल से चले, हमें कोई लेना देना नहीं है। एक परिवार राजगढ़ को चला रहा है, एक परिवार छिंदवाड़ा को चला रहा है, उस वो हमारा विषय नहीं है। परंतु आम आदमी ये जानना चाहता है कि आने वाले समय में जो आप दावा कर रहे हैं उन दावों की पूर्ति कैसे हो सकती है आने वाले समय में, यदि आप सरकार जैसे आप बनाने की बात कर रहे हैं, सरकार बनाने का सपना देख रहे हैं, ये सपना कभी पूरा नहीं होगा। फिर किसके कपड़े फाड़ना है ये और बता दें कि जनता जाकर किसके कपड़े फाड़े। तो ये जो लोग हैं झूठ बोलते हैं और इस तरह का भ्रम पैदा करते हैं कि कभी कोई बात को स्पष्टता ना देखे। और एक बात और कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की आप चिंता मत करिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी मुस्तैदी के साथ अपने अपने पोलिंग बूथ पर तैनात हो चुका है, कल उसका शक्ति सम्मेलन भी हो गया है। और ये आपको आने वाले समय में पता चलेगा कि जो हमने लक्ष्य तय किया था कि मेरा बूथ सबसे मजबूत 51% वोट हमें प्रत्येक बूथ पर लाना है, वो मध्य प्रदेश में एक नया इतिहास बनने जा रहा है, जिसका केवल जीतने केवल सरकार बनाने के लिए नहीं, बल्कि इस व्यवस्था में आमूल सुधार के लिए अपने मध्य प्रदेश के लिए हर बूथ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपनी मेहनत करेगा, उसके बाद सरकार बनाने में अपना योगदान देगा। कपड़े फाड़ने किसी के नहीं जाएगा, ना किसी से फटवाने जाएगा, वो फला पूरी आपके हिस्से। ठीक है अभिनव जी, बात उम्मीदवार तय करने की नहीं, बात भरोसे की है कि जब आप कह रहे हैं सर्वे के आधार पर तय होंगे, तो आप पर भरोसा कैसे करेंगे कि आप जो वचन दे रहे हैं उन पर कैसे भरोसा करेगी जनता, जब आप कहते हैं सर्वे के आधार पर उम्मीदवार तय होंगे लेकिन आप करते नहीं है, वो कह देते हैं नकुलनाथ तय करेंगे, तो जो आप वचन दे रहे हैं उन वचन पर कैसे भरोसा करेगी, ये सवाल उठा रहे हैं लोया जी, सवाल भरोसे का है। देखिए अल्प समय की एक छोटी सी सरकार जनता ने देखी, आप सबने देखी, और जो वचन दिए थे कमलनाथ जी ने, भले ही 100 रुपए 100 यूनिट बिजली का हो, मिली जनता को, मिली आपको, मिली 28 लाख किसानों को कर्जा माफ हुआ, सब पता है सबको, कमल पटेल जी ने इस तरीके से जितनी घोषणा, जो ये घोषणाएं नहीं है इन लोगों की तरह की 18 साल में हाँ सब कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, कोरोना काल में किसी की याद नहीं आई थी, ना बहना की याद आई थी, ना भैया की याद आई थी, ना कर्मचारी की याद आई थी, सब किसी को पैसे नहीं दे रहे थे। 4 महीने पहले याद आई, चुनाव के पहले तो लाडली बहना भी याद आ गई, कहीं भैया भी याद आ गया। तो ये सारे चीजें जो है ना, ये इन लोग के अंदर है, हमारे यहाँ नहीं है, पूरी जनता कमलनाथ जी पे विश्वास कर रही है प्रदेश की, और जिस तरीके से देश में राहुल गांधी पर विश्वास कर रही है वो कर्नाटक, हिमाचल, लद्दाख,
सब जगह देख चुकी है जनता, आपको भी समझ में आ रहा है कि प्रचंड जीत 40 सीटों पर जबरदस्त नहीं कर्नाटक की, और मैं आपके चैनल पर दावा कर रहा हूं 60 से ज्यादा सीटों पर मध्य प्रदेश में जमानत जब्त होगी भारतीय जनता पार्टी की। यह आप देखिएगा, अब ये कितना भी आरोप प्रत्यारोप कर ले, घर में झांक ले, कुर्ते पड़वा, ये हमारे अंदर घर की बातें सब चल रहा है, देख रही है जनता, सबको समझ में आ रहा है कि होना क्या है। वचन जो है हमारे वो पूरे होंगे, जनता देख चुकी है पहले भी और आगे भी वचन पूरे होंगे। ठीक, वचन पूरे होंगे। प्रदीप जी, क्या आपको लगता है कि कांग्रेस भरोसे के संकट से जूझ रही है? नेताओं पर भरोसा नहीं हो रहा शायद, या ये जो विवाद सामने आ रहे हैं उस पे भी कहीं ना कहीं भरोसा नहीं है? निश्चित तौर पर कांग्रेस कार्यकर्ता जो है काफी भ्रमित है, और कारण ये है कि जब बड़े लीडर आपस में कहीं ना कहीं तकरार करेंगे और इस विषय पर बात करेंगे कि हम टिकट किसको दें किसको ना दें, ये वास्तव में पार्टी की अंदरूनी मामला है और इसको स्क्रीनिंग कमेटी के आधार पर जो चयन समिति होती है उसके समक्ष बैठकर बातचीत करनी चाहिए। सार्वजनिक रूप से बात करने से या टिप्पणी करने से या मंच पर घोषणा किसी एक व्यक्ति पर करने पे कई सारे कार्यकर्ताओं के मन में नाराजगी आ जाती है, और वो जो व्यक्ति दूसरा क्षेत्र में प्रयास करता रहता है चुनाव लड़ने की तैयारी करता है वो कहीं ना कहीं उसके मन में ठेस पहुंचती है। मुझे लगता है कि कांग्रेस को इन सब विवादों से बचकर और चुनाव की ओर ध्यान देना चाहिए। कारण यह है कि अगर इस तरह की लड़ाइयां आंदोलन चलती रहेंगे तो मुझे लगता है कांग्रेस को नुकसान होगा। वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस को कोई नुकसान नहीं हुआ, उनका कार्यकर्ता समझता है, जनता भी जान रही है। कार्यकर्ता कैसे समझता है? कार्यकर्ता किसी एक व्यक्ति को आप सार्वजनिक रूप से मंच में कह देंगे कि हम आपको पार्टी से टिकट तैयारी करिए, पार्टी टिकट देंगे, और बाद में जब टिकट की बात आएगी तो कुछ ही दूसरे व्यक्ति के माध्यम से वो टिकट दूसरे व्यक्ति को मिल जाएगा। तो निश्चित तौर पर कारण यही कि आप देख लें, यादवेंद्र सिंह जी को नागौर से वो टूट गए, सिद्धार्थ तिवारी अभी हाल ही में बीजेपी कल सदस्यता ली, तो मुझे लगता है कि अगर सामंजस्य बनाने की स्थिति है तो इनको अलग होने की जरूरत नहीं थी। ये पार्टी में वो तो कह रहे हैं कि कांग्रेस से जितने लोग जा रहे हैं बीजेपी में उनका सर्वे में 3 से 4 नंबर पर नाम आ रहा है, वो कोई बड़े नेता नहीं है लेकिन उनके यहाँ बड़े नेता आ रहे हैं, ऐसा कांग्रेस का कहना है? नहीं, आप देखें, यादवेंद्र सिंह विधायक रहे हैं, पिछली बार वो 1300-1270 वोट से हारे थे, तो उनसे बड़ा नेता वो तो मुझे लगता है जिस आदमी को टिकट दिया है वहां वो नहीं है। दूसरी बात, सिद्धार्थ तिवारी को लोकसभा चुनाव लड़ाया गया था और 3 विधानसभा में उनकी अच्छी स्थिति थी पिछली बार भी जब लोकसभा चुनाव में थे, तो वो अब इसके बाद उनको कमलनाथ जी के माध्यम से आश्वासन मिला था कि आप तैयारी करिए वहां से, इसके बाद अपन देखेंगे। तो मुझे लगता है कि इन सब बातों को कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा, और जो अपने कार्यकर्ता इस तरह के मजबूत कार्यकर्ता है उनको साथ रहकर चुनाव लड़ेंगे तभी इनके नैया पार हो पाए। चलिए, कांग्रेस को विचार करना पड़ेगा तभी साके नैया पार होगी। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता इसलिए चर्चा को यहीं विराम देंगे। आप तीनों मेहमानों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो कांग्रेस में कहीं ना कहीं असमंजस की स्थिति है, या ये असमंजस या भ्रम कहें इसको, ये खुद बड़े नेता डाल रहे हैं, क्या सर्वे पर यकीन नहीं है या क्या वजह थी कि कमलनाथ को ऐसा बयान देना पड़ा और उसके बाद नकुलनाथ ने ऐलान भी कर दिया? कैसे कांग्रेस का कार्यकर्ता खुश होगा? या पार्टी जिस गति से आगे बढ़ रही थी उस गति पर ब्रेक लगेगी और बीजेपी इसका फायदा उठा ले जाएगी, ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल मुद्दा तो है, मैं इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।